चाहिए था, ये नहीं कि बिल्कुल। इन्होंने वीजा नहीं दे रहे और वीजा रोक दिया है, बिल्कुल। और बाकी में उनका और कसूर नहीं है कि वो बिल्कुल भारत में पैदा हुए हैं, वो एक सच्चे मुसलमान तो हैं, वो हज पे जाना चाहते हैं, तो उनको जो है ना वीजा देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। वो एक इंसान क्या कर लेगा, मतलब अगर इतने सारे लोग होते हैं तो वो एक इंसान क्या कर लेगा उनका, आप भले चेकिंग कर लो उनकी। तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाना तो कोई पाकिस्तान से सीखे। छोटा सा एक इशू पे इतना बड़ा उन्होंने बतंगड़ क्रिएट कर दिया। एक आम इंसान जा रहा था इन्हीं के धर्म से रिलेटेड एक यात्रा पे, कहते हैं हज यात्रा पे, और वहाँ पे उनको वीजा देने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया वो तो पाकिस्तान ही जाने। तो उसी बात करने वाले हैं, देखते हैं इस पर आज का मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मेरे सेशन देखने में मदद, वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और एक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहाँ के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब चित्तूर के साथ पाकिस्तान की गंदी हरकत। पहले वीजा के लिए हाँ किया, फिर सुरक्षा का हवाला देकर कर दिया इनकार। अब भारत के इस इमाम ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे दिया है। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेले शख्स से पाकिस्तान को आखिर क्या खतरा है, जब तमाम मुल्कों से लोग पैदल हज यात्रा पर आ रहे हैं, तो सिर्फ भारत के मुसलमान से पाकिस्तान को आखिर डर क्यों लग रहा है? ये देखो कहते हैं कोई इंडिया वाले, पूरी ये देखो कितनी अच्छे तरीके से रोक सकती है, हिंदूज की सपोर्ट दिखा रहे हैं, आरोप लगाता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं। दूसरी तरफ वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ कहता है मुसलमानों से खतरा है। भारत के साथ असल में खड़े होने की तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, या ये कहे कि पैदल हज यात्री से धोखा कर दिया। दरअसल हज यात्रा के लिए पैदल निकले केरल निवासी शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान ने वीजा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीजा न देने की बात कही है। इस बात की जानकारी मजलिस एहरार इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने दी। उन्होंने कहा कि शिहाब चित्तूर के साथ पाकिस्तान दूतावास धोखा किया है। पंजाब के इन इमाम ने न सिर्फ भारत सरकार से गुजारिश की कि शिहाब के लिए मक्का मदीना जाने का कोई और रास्ता बनाया जाए, बल्कि पाकिस्तान को भी आईना दिखाने का काम किया है। इमाम ने मोदी सरकार से मांग की पाकिस्तान के बजाय चीन के रास्ते मक्का जाने के लिए भारत सरकार शिहाब की मदद करे। वहीं इमाम ने पाकिस्तानी सरकार को खूब खरी खरी सुनाई और उनकी पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो है उसको देख रहे हैं। भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा, वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेके मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोजाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं गई, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हमने तमाम चीजों का मुकाबला बचाते खुद किया। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते, तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। सही बात कर रहा हूं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चित्तूर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए, पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन हो जो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीजा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते, मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका।
अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पे काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लूं तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि दो चार कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार? अगर दो तीन कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार इसको वीजा देने के लिए तैयार है। ये बंदा पैदल हज पे जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शाह शुतुर को पाकिस्तान एम्बेसी वीजा नहीं देती, तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके ले लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये जरूर है कि ये सफर जहां 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था, वहां 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शाह चतुर से जब जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूं और पाकिस्तान एम्बेसी को भी बता दूं कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते। और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी अभी तक, दिल्ली में धक्के खा रहा है शाह भाई के जो भाई हैं, रोजाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती है कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं। जी हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए, उनके दरवाजे पे रोज धक्के खा रहे हैं, वहाँ कोई दर्द नहीं होता रोजाना। कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते कल आओ, कभी कहते फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज लिखवा लो, वो कागज। बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहां के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल, तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग पैदल के लिए जाते हैं, रशिया से लोग पैदल हज पे पहुंचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुंचे, कितनी और रियासतें हैं, तजाकिस्तान के, अज़बकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुंचे, किसी पे कोई एतराज नहीं है। भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है? तो देखा आपने पाकिस्तान किस तरह से दोहरा रवैया अपनाता है, जहां एक तरफ वो इस्लाम के साथ खड़े होने की बातें करता है, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वही दूसरी तरफ पवित्र स्थान पर जाने के लिए किस तरह से रोक लगाता है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ऐसे में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत पर? अपनी राय, गवर्नमेंट जब अलाउ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इनको वीजा अलाउ कर दे, अगर ज्यादा इशू है तो फिर वो उनके साथ सिक्योरिटी दे दे, ताकि वो यहाँ से जा सके, लेकिन सिक्योरिटी यकीन वो देंगे नहीं। सोचने पे मजबूर हो, इसको क्यों नहीं वीजा दे रही? एक बंदा इंडिया का निकला है आज पे, उसे आप दस्ती वीजा दो, वो अपने सफर पे रवाना हो जाए। एक आदमी से डर रहे हो, उसमें क्या है यार, उसके हाथ में क्या है? आई थिंक काफी रिएक्टर्स ने सही बात बोली है, आपको ज्यादा इशू था आप उसके साथ सिक्योरिटी लगा सकते थे, जब तक तो पाकिस्तान क्रॉस कर लेता सिक्योरिटी वापसी आ जाती, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन सीधा ही मना कर दिया गया, क्या रीजन दिया गया कोई पता नहीं। तो ये अलग ही दिशा में जा रहा है, ये स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स को मुस्लिम भी नहीं मानते मेरे को लगता है पाकिस्तान से, इस नज़र से अगर इस वीडियो में देखा जाए तो। जा रहा था हज यात्रा पर, चला जाता आराम से, कोई इशू भी नहीं बनता, लेकिन दिल का तार जो बनाना था। तो ये थी आज के हमारे मिक्स मैसअप रिएक्शन, आपको मिक्स रिएक्शन देखना मजा आता, वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।